डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाए। आपने कल पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, रिएक्शंस क्या होती हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ समझ लें कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की नीड ही क्यों होती है, जरूरत ही क्यों होती है। तो शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय द एंटोनी लेवेजर। एंटोनी लेवेजर जिनको फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया था जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहा कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो ये किसने बताया, एंटोनी लेवेजर ने बताया। उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक मेथड होता है, उससे कहते हैं हीट एंड ट्राई, क्या हीट एंड ट्राई। उस मेथड में अपन सबसे पहले क्या करते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले मेटल को देखा जाता है और मेटल को बैलेंस किया जाता है। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, नॉन मेटल, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल्स के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, है ना। अपने आप उसके बाद अपने आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन एंड फोर्थ एंड लास्ट हाइड्रोजन, ये बैलेंस करते हैं। तो देखो किस तरीके से बैलेंस किया जाता है और इस मेथड को कहा जाता है हीट एंड ट्राई। तो देखिए किस तरीके से अपन बैलेंस करते हैं। सबसे पहले जरा समझें कि अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट गिव्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से बैलेंस करें। सबसे पहले तो इसमें मेटल देखेंगे, है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नॉन मेटल देखा जाएगा तो क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 1। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ नहीं लगेगा, बहुत से लोग यहाँ लगा देते हैं बट यहाँ नहीं लगेगा, ये बात याद रखेंगे, यहाँ लगेगा। और यहाँ लगाया तो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन ही 2 हुआ, नहीं, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। ये बात आप याद रखेंगे, यदि आगे लगा दिया तो इसका मतलब ये पूरे में देखा जाएगा, इधर हाइड्रोजन में भी देखा जाएगा और क्लोरीन में भी देखा जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2, क्लोरीन यहाँ कितने हो गए, 2, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आगे देखते हैं दूसरी इक्वेशन दे रहे हैं, बैरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद द एल्युमिनियम सल्फेट एंड टू गिव बैरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले मेटल्स को देखा जाएगा। तो देखिए बैरियम यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ बैरियम कितना है, 1, बैरियम बैलेंस है। एल्युमिनियम देखते हैं, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 2, यहाँ कितने हैं, 1, बैलेंस करते हैं तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, वेरी गुड। अब देखते हैं, अब अपन बात करते हैं, चलो बैरियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अब अपन देखते हैं क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3, 2 या 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि कोई यहाँ नंबर होता है और यहाँ पे भी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, 2 या 6, यहाँ क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 3, 2 या 6, तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2, तो क्लोरीन तो बैलेंस करना पड़ेगा, 6 कैसे आएगा, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 3, 2 या 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया। बट बैरियम देखिए, बैरियम कितना है, 1, यहाँ बैरियम कितने हो गए, 3, तो बैरियम को भी बैलेंस कर दीजिए, हो गया बैरियम बैलेंस। तो ठीक है, अब चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले बैरियम को देखते हैं, तो बैरियम कितना हो गया, 3, यहाँ पे भी बैरियम 3 है, वेरी गुड। एल्युमिनियम कितना है, 2, एल्युमिनियम भी 2 है, बैलेंस। क्लोरीन को देखते हैं तो 3, 2 या 6, और यहाँ देखिए 3, 2 या 6, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। सल्फेट को देखिए कितने हैं, सल्फर कितना है, 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4, 3 या 12, ये भी बैलेंस्ड। तो ये भी क्या हो गए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गए। अब देखते हैं थर्ड, देखिए सोडियम इज रिएक्ट विद द वाटर। जब सोडियम अपन किसमें डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो क्या बनता है,
इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, जैसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखें। इसे क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्रॉपर्टी होती है मेटल की। चलो आगे, तो बैलेंस किस तरीके से करेंगे, वही फिर कंडीशन वही करते हैं कि क्या सबसे पहले अपन किसको देखते हैं, मेटल को देखते हैं। तो मेटल सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, बराबर। दूसरा अपन देखते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन, पहले किसको देखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2 बट 1 3, तो ऑक्सीजन के वो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें, अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बट गड़बड़ हो गया कैसे, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, अच्छा यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2, अच्छा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम कितना है, 1, और सोडियम यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 2 4, 2 0 2 0, और ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम कितना है यहाँ पे, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ देखें तो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1, तो ऐसा करते हैं सोडियम पे लगाया 2, सोडियम पे क्या लगा दिया, सोडियम पे लगा दिया 2, और यहाँ हमने लगा दिया 2, तो ऑलरेडी बनी थी ऑक्स 2 लगा देते। चलो अगर 2 हम यहाँ लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 2, है ना, सोडियम हो जाएगा 4, और यहाँ सोडियम है 2, तो ऐसा करते हैं तो यहाँ लगा देते हैं 2, हो गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस। और ये नेक्स्ट 2 इक्वेशन आपको करना है बैलेंस, तो करिए, है ना, कैसा लगा आपको 8 and 12 मेथड।